ओके भाई, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बहुत से खतरनाक एमएलजी जो कि यूट्यूबर्स ने भी करी है। एंड इन सब एमएलजी को मैं करने वाला हूँ एमसीपी में। एंड भाई, मैं हार्डेस्ट एमएलजी ट्राई करने की कोशिश करूँगा जो मुझे पता है। अगर मैं कोई एमएलजी मिस करता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए शुरू करते हैं। ओके भाई, अब मैं करने वाला हूँ वाटर बकेट एमएलजी। पर ये एमएलजी नॉर्मल नहीं होने वाली। इसमें मैं वर्ल्ड की टॉप हाइट से लेकर बेडरॉक तक जाऊँगा जो कि है 320। पता नहीं भाई ये हो पाएगी या नहीं, एंड पता नहीं इसको कितना टाइम लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके भाई, मैं नीचे जा रहा हूँ। आई सा हॉप, मैंने पहले अटेम्प्ट में कर लिया। ये कुछ ज्यादा ही था मेरे लिए। अब मैं आपको पता ही है कितना बड़ा प्रो हूँ। इसको मैंने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, वो भी एमसीपी में। ये तो कुछ ज्यादा अच्छा हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमएलजी की तरफ। एंड हमारी नेक्स्ट एमएलजी से थोड़ा सिमिलर होने वाली है, बट मैं करूँगा स्नो बकेट से। एंड भाई मुझे पता है स्नो बकेट से एमएलजी हो जाती है। ओके, तो एक बार करके देखता हूँ ये होती है या नहीं। ओके भाई, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। एंड वेट भाई, ये पहले अटेम्प्ट में हो गई। भाई मेरे को ज़्यादा ही प्रो शायद से। ओके भाई, मैंने याली पे पहले अटेम्प्ट में कर लिया। तो ओके, चलो करते हैं फिर नेक्स्ट एमएलजी। भाई अब मैं एमएलजी करने वाला हूँ स्लाइम ब्लॉक से। एंड भाई मैं वर्ल्ड की टॉप हाइट से करूँगा तो उसमें पक्का बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। ओके भाई, इसको इग्नोर करो, एक और बार ट्राई करते हैं। ओके भाई, मैंने स्लाइम प्लेस कर दी, मुझे वाटर बकेट करनी पड़ेगी अब। एंड मैंने कर दिया भाई, मेरे को ज़्यादा ही प्रो हूँ। ओके, तो वही काम कर दो, मैं नेक्स्ट एमएलजी करता हूँ इसके साथ। ओके, तो नेक्स्ट एमएलजी होने वाली है बैड एमएलजी। भाई तो कुछ ज़्यादा ईजी है ये, तो वही पहले अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके भाई ठीक है यार, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरों में जाएगा। समझ गया भाई, क्या बात हुई, दूसरे में भी नहीं हुआ यार। ओके फाइनली भाई, लेकिन थोड़ा डैमेज पड़ता ही है बैड एमएलजी में। ओके मैंने बैड एमएलजी कर लिया, चलो फिर करते हैं जल्दी से नेक्स्ट एमएलजी भी। एंड भाई अब मैं एमएलजी करने वाला हूँ ट्विस्टिंग वाइन से। एंड भाई मैं यहाँ से कूदूंगा और सीधा मुझे ट्विस्टिंग वाइन्स लगानी है, देखता हूँ मैं कर पाता हूँ या नहीं। ओके भाई साहब, फाइनली मैंने अली एमएलजी कर लिया। इस एमएलजी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पर कोई बात नहीं, हो चुकी है अली एमएलजी भी। ओके, तो मैं करने वाला हूँ हनी ब्लॉक से एमएलजी। शायद भाई हनी ब्लॉक में बहुत खतरनाक डैमेज पड़ता है पर एमएलजी हो जाती है। ओके ट्राई करता हूँ मैं। भाई सिर्फ 3 आर बचे हैं पर एमएलजी हो गई, वो बढ़िया था। एंड भाई मुझे ब्लॉक भी नहीं मिला, सही है भाई। ओके भाई ठीक है भाई, ठीक है। ओके भाई, मैं एमएलजी करने वाला हूँ लैडर्स वाली। एंड भाई मैंने अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है। एंड भाई मुझे दीवार के एकदम नीचे प्लेस करना है ये लैडर। ओके तो चलो फिर जल्दी से कूदता हूँ मैं। एंड भाई मैंने फाइनली कर ली। भाई मुझे थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ी थी क्योंकि मैं उधर तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने अच्छे से कर दिया है। भाई प्रो तो मैं हूँ, वो भी एमसीपी में कुछ ज़्यादा ही। भाई अब मैं करने वाला हूँ सबसे खतरनाक एमएलजी जो कि होने वाली, मैं लाइटरों को फेंकूंगा फिर उसको हाथ में पकड़ूंगा एंड फिर मुझे उससे उड़ना भी है लिटरली। भाई इसको होने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लगेंगे मुझे पता है। ओके सो लेट्स बिगिन। कि भाई मैंने लाइटर पहन लिया, वेट वेट भाई मैं फ्री मर गया। One eternity later. ओके भाई फाइनली मैंने आली एमएलजी कर लिया, बस थोड़ा डैमेज हो गया। चलो गाइस, होने से बहुत ज्यादा टाइम लग गए। एंड भाई ये एमएलजी बहुत ज्यादा ओपी थी, आप भी ट्राई करना। ओके मैं कहने वाला हूँ कि जैसे एक सिमिलर एमएलजी, बट भाई इसमें ना मुझे टोटम फेंकना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। ओके तो एक काम कर दो, उसको ट्राई करता हूँ मैंने। वेट भाई मैं तो ग्रेटिव में था, इसको इग्नोर करो। ओके अब ट्राई करता हूँ। इजी भाई, कुछ ज़्यादा इजी थी, इसको बस मुझे फेंकना था और बस हाथ में आना चाहिए। एंड ये भी कर लिया मैंने। मैं ट्राई करूँगा सबसे हार्डेस्ट एमएलजी जो कि है बोट क्लच। एंड पता है भाई मुझे ये नहीं होने वाला, बड़ा करनी हुआ तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर देख लूँगा। ओके तो ट्राई करते हैं। ओके भाई मैं करूँगा बोट एमएलजी, इसमें जो बोट रखना है एंड फिर उसके बाद मैं वाटर बकेट कर लूँगा।
रामी मानुस दो दिल में पलट गया। क्यों भाई नॉर्मल बोर्ड क्लास तो भाई इसमें नहीं हो रहा है एमसीबी में, अगर आप सोचे तो बता देना। ओके भाई मैं करूंगा एंडरपल एमएलजी, इसमें मुझे एंडरपल फेंकना है और बस मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा जमीन में। ओके तो यार अभी ट्राई कर लेता हूँ। एंड भाई मैंने अली एमएलजी भी कर लिया है, कुछ ज़्यादा ईजी थी बस मुझे एक दो बार टाइम लग गए। ओके भाई मैंने लास्ट एमएलजी भी कर लिया है। ओके भाई आपको कौन सबसे अच्छी एमएलजी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड भाई मैं ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस करूँगा, तो मैं चैलेंज कमेंट सेक्शन में देते रहना। ओके तो वीडियो को डिसलाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ गुड बाई।